हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैडीज क्विक किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे घर में बहुत ही इजी तरीके से चिल्ली चिकन, जो आप झटपट बना सकते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चिल्ली चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए ये हमारे चिकन के पीसेस हैं, इसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें काली मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस मैरिनेशन को हमें आधे घंटे तक रख देना है। आधे घंटे बाद हम इन चिकन पीसेस को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन में जो है तेल गरम करते हैं। जब तेल गरम हो जाए तो एक एक करके चिकन पीसेस को, जो हमने मैरिनेट करके रखे थे, उनको हम तेल में डाल देंगे। यहाँ हमने चिकन पीसेस को छोटा छोटा काटा है ताकि वेजिटेबल्स के साथ टॉस होके चिकन और वेजिटेबल्स का जो साइज़ है वो सेम रहे। बाइट साइज पीसेस हमने काटे हैं और इससे जो है आराम से चिकन गल भी जाएगा। इनको लो फ्लेम पे हमें जो है फ्राई करना है ताकि ये कच्चा ना रहे और पक जाए, और दोनों तरफ से इसको पलट के फ्राई कर लेना है। हम चिकन पीसेस को पलट लेते हैं। अब हमारे चिकन के पीस फ्राई हो गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। मीनवाइल उसी पैन में हम डालेंगे गार्लिक का, हमने बारीक कटा हुआ लहसुन ये लिया है। आप चाहे तो गार्लिक का पेस्ट भी ले सकते हैं, बट चाइनीज़ में जो है जो चीज़ बारीक कटी हुई होती है उसका फ्लेवर भी ज़्यादा आता है और क्रंचीनेस भी रहती है। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाते हैं। गार्लिक को ज़्यादा नहीं पकाना, अदरवाइज वो जल जाएगा। बिल्कुल हल्का ब्राउन होने तक इसको हमें पकाना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स, ये डाइस किए हुए प्याज, साथ ही हम इसमें डालेंगे डाइस किए हुए टमाटर और शिमला मिर्च। अब इन सब वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे हम नमक स्वाद के अनुसार, और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और इन सबको तब तक पकाना है तब तक सारे वेजिटेबल्स थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए और इनका कच्चापन चला जाए। इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। मिनट हो चुके हैं और हमारे वेजिटेबल्स ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं पहले से।
इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि चाइनीज़ में जो है अलग अलग हर चीज़ दिखनी चाहिए, हर एक वेजिटेबल अलग शो होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे फ्राई किए हुए चिकन पीसेस। अब हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हमारे सॉस और विनीगर। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं विनीगर खटास के लिए। चाइनीज़ खाना जो है स्वीट एंड सॉर होगा। थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें सोया सॉस, इससे कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी। साथ ही हम डाल देंगे टमाटो केचप। आप चाहे तो इसमें सेजवान सॉस या रेड चिल्ली पेस्ट भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। हर एक वेजिटेबल का अपना ही कलर है और थोड़ी ग्लेजनेस आई है जो उसकी सॉस की वजह से आया है। हम बनाएंगे एक स्लरी। स्लरी बनाने के लिए हमें एक खाली कटोरी में कॉर्नफ्लोर लेना है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, और उसमें मिलाएंगे हम पानी। कॉर्नफ्लोर के स्लरी को आधा कप पानी में हम घोल लेंगे। पानी होगा रूम टेम्परेचर में, अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठें ना रहे। अब हम इस स्लरी को जो है इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और फुल फ्लेम में इसको पकाएंगे और सारे सॉस और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसमें एक गाढ़ापन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे चिली चिकन का। बस अब हमारा चिली चिकन रेडी है, अब इसको हम सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा चिली चिकन बिल्कुल तैयार है। इसको आप ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाएं, और हमारा रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।